बहराइच के नानपारा के दलजीत सिंह, जिनकी उम्र केवल 35 साल थी और वे लखीमपुर में उस गाड़ी के नीचे आकर मौत का शिकार हो गए, जिस पर आरोप है कि वह मंत्री के बेटे का काफिला था। हमारे साथ उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से वितरित किए गए सहायता चेकों को लेने आए हैं। आपका क्या कहना है, क्या वो उस घटना के बाद में जो भी कार्रवाई हो रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तक संतुष्ट नहीं है, जैसी हमको कार्रवाई चाहिए थी वैसी नहीं हो रही है। आपके पुत्र थे, कौन थे वो दलजीत जी? मेरे भाई थे, तीसरे नंबर पे। अच्छा, और क्या क्या संतुष्टि का कारण क्या है, संतुष्ट ना होने का क्या कारण? 7 दिन का टाइम मांगा था सरकार ने कि मंत्री को बर्खास्त करेंगे, लड़के को जेल भेजेंगे। अभी तक रिमांड चल रही है, मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ। हमारी जो भी सरकार से ये अपील है कि आपने कहा था कि आप गुंडे जा तो गुंडा राज छोड़ दें या प्रदेश छोड़ के चले जाएं। अब योगी जी कहाँ गए हैं, अपने बयानों से मुकर रहे हैं, अपने मंत्री को बचा रहे हैं। हमारी यही अपील है योगी सरकार से कि मंत्री को बर्खास्त करें और जो उचित कार्रवाई बनती है परिवारों की तरफ से वो की जाए। तो दलजीत जो थे वो क्या करते थे, क्या काम करते थे? खेती बाड़ी है, किसानी है। एक आरोप ये लग रहा है कि वह बहराइच से लखीमपुर क्या करने गए थे? संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल थी, उसी कॉल को पुगाने के लिए हम शांतमय प्रदर्शन करने के लिए गए थे। तो इस तरह से सामने आया कि केवल बहराइच और लखीमपुर के ही किसान थे, और जगह के नहीं थे, ऐसा क्यों? वहां पर बहुत किसान थे, बैक साइड से गाड़ी मारी गई, जो चपेट में आए उनको मारते हुए चले गए, घायल करते हुए चले गए, कोई देख नहीं पाया, कोई संभल नहीं पाया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी बात हुई, क्या वहाँ पर मंत्री के पुत्र थे, ऐसा आपको सुनने को मिला? बिल्कुल क्लियर है, ऑल वर्ल्ड जानता मंत्री के पुत्र थे, गाड़ी चला रहे थे, स्वयं वीडियो वायरल हो रही है, सबको जानते हैं, मीडिया भी जानता है, सरकार भी जानती है, और मंत्री बैठे हुए मंत्री पद के उनके पापा भी जानते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में इस दिशा में न्याय मिलेगा, या आपको लगता है कि अभी निराशा ही हाथ लगेगी? हमको न्याय की उम्मीद है, कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और किसान संयुक्त मोर्चे ने भी कहा है कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं बैठेंगे। जिस तरह से दिल्ली में बॉर्डर पे कल राकेश टिकैत जी ने वहाँ पर सारे टेंट वगैरह हटा दिए, उसको लेकर के आपको क्या कहना है कि मतलब क्या किसान आंदोलन मध्यम पड़ रहा है? सरकार, ये सरकार की नीति है, रास्ते सरकार ने रोके हुए हैं, पुलिस ने रोके हुए हैं, किसानों ने नहीं रोके हुए, किसानों ने बाकायदा रास्ते दिए हुए हैं, बैरिकेडिंग की हुई है, कीले लगाई हुई हैं, बड़े बड़े डंबर लगा रखे हैं सरकार ने लगा रखे हैं, और उल्टा किसानों को बदनाम किया जा रहा है, सब किसानों ने रास्ते रोके हैं। तो इस तरह से आप देखिए, हमारे साथ में जो पीड़ित परिवार के उनके भाई की डेथ हुई इस पूरे मामले में, वे अभी सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नहीं है। कैमरामैन धीरज के साथ ऋषि।